इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज का ये एहतजाज आप और हम लोग मिलकर कर रहे हैं। मालेगांव शहर हमेशा दुनिया में या हमारे मुल्क में जहां भी अगर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और ये शहर की परंपरा रही है। लेकिन ना जाने कई दिनों से इसराइल गजा पट्टी के ऊपर बमबारी कर रहा है, दहशत फैला रहा है, आतंकवाद कर रहा है, लेकिन हमारे शहर से आवाज नहीं उठ रही थी। हम जिंदा कौम है, हम मुर्दार नहीं है और हमको यहां एहतजाज दर्ज करना उन इसराइल के खिलाफ इसराइल की मुजम्मत में इसराइल के आतंकवाद के खिलाफ आज का हमारा ये धरना और आंदोलन है और हम लोग मेमोरेंडम आज देने वाले हैं। टीवी चैनल के ऊपर या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर दो बातें सामने आ रही है। हमारे देश के जो सरकार है भारत सरकार, हमारे पंत प्रधान जी ने कोई ट्वीट किया, बाद में विदेश मंत्रालय ने उसकी सफाई भी दी। शायद उनको याद आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के पंत प्रधान रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक भारत सरकार और हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन की आवाम के हक में और गजा पट्टी फिलिस्तीनियों का हक है इसके लिए हमेशा हमारी पॉलिसी रही है। हम सिर्फ हमारी भारत सरकार को यह याद दिलाना चाहते हैं कि देश की विदेश नीति बदल गई क्या? क्या संसद के अंदर कोई कायदा पास हो गया क्या? अगर हुआ है तो देश की आवाम के सामने वैसी बात आप रखो और अगर नहीं हुआ है तो भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, भारत सरकार से हमारी विनती है कि फिलिस्तीन आवाम के साथ फिलिस्तीनियों के साथ आपको खड़े रहना है। यह हमारी गुजारिश है। यह मेमोरेंडम हम आज एडिशनल कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति महोदया को देने वाले हैं। दोस्तों और साथियों, आतंकवाद की हिमायत कोई नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद की हिमायत कोई नहीं कर सकता है और ना हम करते हैं। लेकिन अगर कहीं एक बम फूट जाता है दुनिया में कहीं भी, अगर पांच लोग भी मर जाते हैं तो उसको आतंकवाद बोला जाता है। और इसराइल कई दिनों से मुसलसल गजा पट्टी के ऊपर बमबारी कर रहा है, मासूम मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी मां बहनें शहीद हो रही है, वहां की आवाम वहां के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो क्या ये आतंकवाद नहीं है? आज दुनिया में हॉस्पिटल के ऊपर जंग के अंदर जंग होती है लेकिन आम शहरियों के ऊपर नहीं होती है, बमबारी उनके ऊपर नहीं होती है, पूरे गांव के गांव पूरे शहर को बर्बाद नहीं किया जाता। एक उसके उसूल होते हैं लेकिन उसूल के खिलाफ हॉस्पिटल के ऊपर भी
बमबारी की गई, 500 से ज्यादा लोग वहां पर शहीद हो गए। क्या दुनिया के अंदर आज इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है और पूरी दुनिया ने और हमारी भारत सरकार ने उसकी मजम्मत करना चाहिए और उसको संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए? यह हमारा अपना मुद्दा, आप नहीं बोलोगे। लेकिन अभी हमारे तमाम ही साथियों ने बताया कि मस्जिद अक्सा के अंदर इजरायली फौज जूते पहनकर घुस जाती है। बरसा बरस से ऐसा कोई दिन नहीं वहां पर गुजरता जो इजराइल या वहां की फौज वहां के फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म नहीं करती है। लेकिन अब तो हद हो गई, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज नहीं उठाई जा रही है। हमारी मुस्लिम कंट्रीज इतनी इस दुनिया के अंदर है, आज वो भी एक प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं आ रही, ये अफसोस आज हमको है। अगर आज हम एहतजाज कर रहे हैं और फिलिस्तीन आवाम के ऊपर, गजा पट्टी के ऊपर अगर आज बम बरसाए जा रहे हैं, तो हम आज अगर इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा ममालिक, अगर कोई भी समाज, कोई भी धर्म के मानने वालों के ऊपर अगर जबरदस्ती बमबारी करेगा, तो हम उसकी भी मजम्मत करेंगे। कोई धर्म की बात नहीं है, ये इंसानियत बचाने के लिए, भाईचारे के लिए ये लड़ाई है। और मैं समझता हूं दुनिया के अंदर अलग अलग ममालिक के अंदर इसराइल की मजम्मत के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, धर्म आंदोलन हो रहा है, बड़े बड़े मोर्चे निकल रहे हैं। हमने एक छोटा सा यहां पर आज एहतजाज किया और हमारे यहां के प्रशासन से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे यहां के महसूल डिपार्टमेंट हो, हमारा निवेदन भारत सरकार तक आप पहुंचाए। और हमने आज इसीलिए यहां पर हम लोग यहां बैठे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, महसूल डिपार्टमेंट की तरफ से हमसे रिक्वेस्ट की गई कि आप मेमोरेंडम देने के लिए आप एडिशनल कलेक्टर ऑफिस ना आए, हम यहीं पर इंतजाम कर देते। आज जुमा का दिन है, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो हमने रिक्वेस्ट कबूल किया। हमको हमारा शहर भी अमन रखना है, ये भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई गलत पैगाम ना जाए, कोई गलत घटना ना कर दे, कोई सरपसंद कुछ ना कर ले, इसलिए इसके लिए हमने ये फैसला किया कि यहाँ पर प्रशासन आया है और हमारा एहतजाज दर्ज हो रहा है, हमने दर्ज करवाया और हम आज प्रशासन को यही मेमोरेंडम देंगे और दुआ के साथ यहाँ का ये एहतजाज खत्म होगा। लेकिन इंसानियत के लिए और इजराइल के जुल्म के खिलाफ, इजराइल की मजम्मत में, इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसके लिए जरूरत पड़ने पर अगर बमबारी नहीं रोकी गई, अगर संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी आवाज नहीं उठी और अगर बमबारी को नहीं रोका गया, तो जरूरत पड़ने पर इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर पर एक बड़ा मोर्चा या आंदोलन करने से भी हम नहीं चुकेंगे। यही प्रशासन को हम लोग बोलना चाहते, हमारी बात भारत सरकार तक आप पहुंचाएंगे, ये हमको अपेक्षा है।